यहाँ पर ये भी पुष्कर सरोवर का नाइट व्यू मैं आपको दे देती हूँ। दिस इज द नाइट व्यू। चलिए अब हम पुष्कर की गलियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या घूमने को आगे मिलेगा। हमने पुष्कर का मार्केट रात में भी एक्सप्लोर किया था। हम लोग करीब 6:30-7 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल है, राजस्थान का ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी सारी शॉप्स थी। होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट की भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पुष्कर में आपको लेदर प्रोडक्ट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, लाइक लेदर शूज़ हो गया, बैग्स हो गए, लैपटॉप बैग्स हो गए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ अवेलेबल। इसके अलावा मार्केट बहुत हैपनिंग था, लोग आराम से घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बड़ी सिटी में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं था कि हम किसी छोटे से शहर में हैं जहाँ पर 8 बजे ही मार्केट बंद हो जाता है। एक हैपनिंग सा माहौल फील हो रहा था वहाँ पर। एक और नई चीज़ जो मेरे लिए बहुत नया सा एक्सपीरियंस था जो देखने को मिला मुझे, वो थी तलवार, और जो भी छोटे छोटे तलवार के पीसेस होते हैं वो भी वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल थे। पुष्कर में मंदिर बहुत सारे हैं, यहाँ पर करीब आपको हर 10 से 15 घर के बाद एक मंदिर मिल जाएगा और छोटे छोटे भगवान जी वहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। स्वीट्स करके है वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं और हमने यहाँ पर लिया है मालिया कचौरी और ये पोहा। यहाँ पर गरम गरम कचौरी बन रही है, प्याज की कचौरी हमने टेस्ट की। ये इस होटल का लॉन एरिया है और आई थिंक हम यहाँ पर अभी जिस रूम में रुके हैं वो कुछ हट पैटर्न पर बने। अराउंड 10 to 11 रूम्स है। अगर एक फैमिली गेट टुगेदर या ऑफिस गेट टुगेदर है तो आप एक पूरा स्पेस बुक कर सकते हैं रूम्स में। ये देखिए,
आपको प्रॉपर गेट एंड ऑल।